आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ग्रीन टी शर्ट वाइस चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अगले दिन यानी 18 तारीख को कौन सी स्टॉक में पोजीशन बनाएंगे, उसी स्टॉक की टेक्निकल आउटलुक, बाइंग लेवल, सेलिंग लेवल, टारगेट, उस बारे में चर्चा करेंगे। तो एनालिसिस पे जाने से पहले आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा, अगर आप लोग मेरे थ्रू आज तक ट्रेड में अकाउंट ओपन करते हैं तो आप लोगों को निफ्टी ऑप्शन, बैंक निफ्टी ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर, इक्विटी कैश, कमोडिटी, ऑल सेगमेंट के कॉल फ्री में मिलेंगे। अगर अकाउंट ओपन करना है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, और अगर पिक सर्विस लेना चाहते हैं तब भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 80% एक्यूरेसी के साथ कॉल प्रोवाइड करता हूँ, सुबह 9:15 से 3:15 तक मेरा सपोर्ट रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अगले दिन के लिए मैंने दो स्टॉक सिलेक्ट किया। फर्स्ट स्टॉक है कमिंस इंडिया। तो कमिंस इंडिया का टेक्निकल एनालिसिस करके जानने की कोशिश करेंगे, स्टॉक में अगले दिन क्या हो सकते हैं, इसका पोजिशन क्या है अभी फिलहाल, और अगले दिन की बिहेवियर क्या हो सकते हैं, लेवल क्या रहेगा, बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर गैप डाउन का जो लेवल है वो गैप डाउन लेवल यहाँ पर हमें मिला, ठीक है। तो गैप डाउन लेवल जो हमें यहाँ पर मिला, तो अगले दिन हम क्या करेंगे, गैप डाउन लेवल के नीचे सेलिंग पोजिशन बनाएंगे, ठीक है। यानी प्रीवियस डे की जो गैप डाउन ओपनिंग था, प्रीवियस डे की गैप डाउन ओपनिंग के आस पास हम सेलिंग पोजिशन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें देखिए इस लेवल पे हमें एक सपोर्ट मिला है, और ये भी आप सपोर्ट कह सकते हैं, ठीक है। फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा, हमें पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल मिला है, सेकंड यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल मिला है, जब इसको यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट किया तब ये सपोर्ट बन गया, ठीक है। उसके बाद देखिए किस तरीके से ट्रेड हुआ है इसमें, और अभी फिलहाल जो आप ये सपोर्ट देख रहे हैं, स्टॉक अभी सपोर्ट लेवल के ऊपर है। तो अगले दिन इस सपोर्ट लेवल को अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें सपोर्ट लेवल के नीचे सेलिंग पोजीशन बनाएंगे। इसलिए एक तो ये सपोर्ट लेवल है अभी ऊपर से, दूसरी तरफ से नीचे का जो लेवल है, हायर हाई जो लेवल है, हायर हाई लेवल को तोड़ेगा। सपोर्ट को तोड़ना मतलब हायर हाई लेवल को तोड़ना। तो हायर हाई लेवल को ब्रेक डाउन करना और सपोर्ट को ब्रेक डाउन करना हमें यह दर्शाते हैं कि स्टॉक नीचे भाग सकते हैं, क्योंकि ये दोनों स्ट्रॉन्ग लेवल है और वो भी सपोर्ट लेवल। इसको तोड़ना मतलब गिरावट देखना, तो इसलिए हम इस दोनों लेवल के नीचे सेलिंग पोजीशन बनाएंगे। और जिस तरीके से हमने देखा आज के डेट में, यहाँ पर क्या देखा हमने, ट्रेडिंग रेंज देखा। देखिए यहाँ पर उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं था, आप लोग देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से ट्रेड हुआ है इसमें, ठीक है। तो अगले दिन इस रेजिस्टेंस लेवल को अगर ब्रेकआउट करते हैं, क्योंकि पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिला, सेकंड टाइम हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिला। तो इन रेजिस्टेंस लेवल को अगर ब्रेकआउट करते हैं पिछले लेवल को, इस लेवल को, तो हम इसके ऊपर बाइंग पोजीशन बनाएंगे, तब जाके हमें ऊपर की तरफ एक उछाल देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब स्टॉक में हमें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल मिला है, तो इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर हम बाय करेंगे और हायर हाई लेवल और सपोर्ट लेवल के नीचे हम सेलिंग पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए लेवल देख लेते हैं कमिंस इंडिया का। कमिंस इंडिया का लेवल रहेगा 758.88, यानी 759 में हम बाय करेंगे 759 के ऊपर। टारगेट रहेगा 761.90, 764, 766.78, 770, 772, 779.57। तो फ्रेंड्स, बाय एंट्री लेवल के 10 से 20 पैसे ऊपर हम बाय करेंगे। सेलिंग एंट्री लेवल क्या रहेगा, 749.81, यानी 749 के नीचे हम सेलिंग पोजीशन बनाएंगे 10 से 20 पैसे नीचे। टारगेट रहेगा 746, 743.65, 741, 737.73, 735.62 और 728। तो फ्रेंड्स, ये था कमिंस इंडिया का बाइंग एंट्री लेवल और सेलिंग एंट्री लेवल। अब हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में चर्चा करते हैं, जिसका नाम है तो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टॉक है सीईएससी। सीईएससी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, एनालिसिस करके जानने की कोशिश करते हैं। तो सीईएससी में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमें ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल मिला है। क्यों, देखिए इस लेवल को टेस्ट किया, फिर इसे दोबारा टेस्ट किया, थर्ड टाइम टेस्ट किया, फोर्थ टाइम टेस्ट किया, फिफ्थ टाइम इसको ब्रेकआउट किया और अच्छा खासा एक अप मूवमेंट देखने को यहाँ पर हमें मिला है। उसके बाद स्टॉक में गिरावट आई, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गिरावट आई। नेक्स्ट हमने देखा हायर हाई लेवल को टेस्ट करते हुए, ठीक है, हायर हाई लेवल को टेस्ट करते हुए वो अपनी अपट्रेंड रैली को कंटिन्यू रखा, और यहाँ पर हमें फिर से दोबारा सेम लेवल को देखने को मिला है। तो मेरे कहने का मतलब सेम लेवल को हमें यहाँ पर कम से कम 5 या 6 बार देखने को मिला, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम,
फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम एंड सिक्स्थ टाइम। तो मेरे कहने का मतलब इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को अगर अगले दिन ब्रेकआउट करते हैं तो इसके ऊपर अगर हम बाइंग पोजिशन बनाते हैं तो कम से कम इस लेवल को पहले टेस्ट करेगा जो प्रीवियस हाई लेवल है। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद इस लेवल के ऊपर हम बाइंग पोजिशन बनाएंगे, ठीक है। नीचे की तरफ हमें एक सपोर्ट लेवल मिला है, सपोर्ट लेवल को भी आप लोग देख सकते हैं। सपोर्ट लेवल के नीचे हम सेलिंग पोजिशन बनाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इस लेवल को टेस्ट किया लेकिन इसको ब्रेकआउट करके सस्टेन कर नहीं पाया और हमने कितना गिरावट देखा आप लोग देख सकते हैं। और इस गिरावट के चलते हमने एक अपट्रेंड रैली देखा और यहाँ पर हमने हायर हाइस हायर लोस देखते रह गए, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आज के डेट में लास्ट कैंडल जो है हायर हाइस लेवल के नीचे क्लोज हुआ। यहाँ पर देखिए ये जो रे लेवल आप लोग देख रहे हैं ना व्हाइट कलर का, इसको आप लोग एक बार नोटिस कीजिएगा, नोट करके रखिए। इस लेवल के नीचे क्लोज हुआ इस कैंडल को देखिए। तो मेरे कहने का मतलब स्टॉक अभी फिलहाल इस लेवल के नीचे क्लोज हुआ है। तो अगले दिन अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन करके सपोर्ट लेवल को तोड़ते हैं तो सपोर्ट लेवल के नीचे हम सेलिंग पोजीशन बनाएंगे, तब जाके हमें नीचे की तरफ गिरावट देखने को मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्राइस एक्शन और ट्रेंड एनालिसिस हम ये कहता है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्यों है वो भी समझ लीजिए फिर से, क्योंकि यहाँ पर हमें 6-7 बार इस लेवल को टेस्ट करते हुए देखने को मिला है। और दूसरी तरफ हायर हाई हायर लो लेवल के नीचे क्लोज हुआ है, तो हायर हाई हायर लो लेवल को ब्रेकआउट करके रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करना मतलब एक अपट्रेंड रैली, यानी वो उसमें बायर्स हावी है और बायर्स ज्यादा होने के कारण वो कंडीशन देखने को मिलेगा। इसलिए हम इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बाइंग पोजीशन बनाएंगे। और जैसे कि हमने देखा हायर हाई हायर लो पिछले लेवल के नीचे क्लोज हुआ है, तो जैसे सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करते हैं तो हम नीचे की तरफ गिरावट देखेंगे, इसलिए हम चलेंगे पोजीशन बनाएंगे सपोर्ट के नीचे। तो फ्रेंड्स ये एक सिंपल एनालिसिस है, मैं डेली वीडियो में कहता हूँ आप लोगों को सिंपल एनालिसिस करो और अच्छा खासा मुनाफा करो। तो चलिए इसके लेवल देख लेते हैं। इससे पहले मैंने अपनी आस्था एक्टिव मेंबर को कौन सा कलर प्रोवाइड किया, आप अगर मेरे थ्रू आस्था ट्रेड में अकाउंट ओपन करते हैं तो आप लोगों को निफ्टी ऑप्शन बैंक निफ्टी ऑप्शन स्टॉक ऑप्शन स्टॉक फ्यूचर निफ्टी फ्यूचर इक्विटी का कमोडिटी वॉल से बिल्कुल कॉन्फर्म मिलेंगे। अगर अकाउंट ओपन करना है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और अगर पैसा भी देना चाहते हैं तब भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए ऊपर से शुरू करते हैं। टूडे लिखा हुआ है यहाँ पर, आप लोग देख रहे हैं, देखिए ठीक है, थोड़ा सा नेट स्लो है। हाँ ओके, टूडे अपोलो हॉस्पिटल फ्यूचर 6 टारगेट डन। देखिए फ्रेंड्स मैं अपनी आस्था एक्टिव मेंबर को डेली अपोलो हॉस्पिटल फ्यूचर, एसडीएफसी बैंक फ्यूचर एंड रिलायंस फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर और इक्विटी निफ्टी फ्यूचर ये 5 कॉल कंफर्म प्रोवाइड करता हूँ एक दिन पहले रात को। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखिए पिछले दिन रात को प्रोवाइड किया था, ऊपर आप लोग देख सकते हैं 9:21 में, और यहाँ पर टूडे लिखा हुआ है, ठीक है। अपोलो हॉस्पिटल 6 टारगेट डन, एसडीएफसी बैंक 5 टारगेट डन, बैंक निफ्टी फ्यूचर 2 टारगेट डन। उसके बाद यहाँ पर क्लाइंट की प्रॉफिट स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, क्लाइंट जो स्क्रीनशॉट करते हैं, पीएनबी हाउसिंग इक्विटी कैश 5 टारगेट डन, हैवेल्स 5 टारगेट डन। उसके बाद मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी बाय लेवल और सेल लेवल प्रोवाइड किया। तो आप लोग सोचते होंगे कि बैंक निफ्टी कॉल हम बाय कर सकते हैं, सेल कैसे करेंगे, उसके लिए मार्जिन ज्यादा जरूरत है। तो मेरे थ्रू आस्था ट्रेड में अकाउंट ओपन कीजिए, पार लॉट 2500 रुपए में आप बैंक निफ्टी ऑप्शन सेल कर सकते हैं, पार लॉट ओनली 2500 रुपए, लेकिन दूसरे ब्रोकर में आप कर ही नहीं सकते, और अगर करना भी चाहते हैं तो बहुत हाई मार्जिन की जरूरत है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे बैंक निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी इवेंट का मैंने न्यूज दिया, रिलायंस फ्यूचर 3rd टारगेट डन, एमएनएम बुक प्रॉफिट सम रिस्क, तो मैंने अपडेट कर दिया रिस्क था इसलिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 30,700 कॉल सेल 1st टारगेट डन, 2nd टारगेट डन, 30,700 कॉल सेल 2nd टारगेट डन, एचडीएफसी फ्यूचर 2nd टारगेट डन। तो इस तरीके से मैंने कॉल प्रोवाइड किया। तो चलिए प्रॉफिट स्क्रीनशॉट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 6,500 प्रॉफिट किया, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं आप लोग 4,570 रुपये प्रॉफिट किया। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर 1,050 रुपये प्रॉफिट। नेक्स्ट देख सकते हैं आप लोग 1,050 प्रॉफिट सेम है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 2,575 रुपये का प्रॉफिट। तो इस तरीके से जो क्लाइंट स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सीएससी अगर हम बाई करते हैं तो 786.45 यानी 786.60 के ऊपर हम बाइंग पोजीशन बनाएंगे। टारगेट रहेगा 788.40, 789.98, 791.51, 793.80, 795 एंड 799.81। तो फ्रेंड्स बाइंग एंट्री लेवल के 10 से 20 पैसे ऊपर हम बाई करेंगे। सेलिंग एंट्री लेवल क्या रहेगा सीएससी का 780.14 यानी 780 रुपये के नीचे हम सेलिंग पोजीशन बनाएंगे। टारगेट क्या रहेगा 778, 776.61, 775, 772.79, 771.43 एंड 766.78।
तो फ्रेंड्स ये था बाइंग एंट्री लेवल और सेलिंग एंट्री लेवल। तो अगले दिन के लिए मैंने दो स्टॉक के बारे में चर्चा किया था, कमिंस इंडिया एंड सीएससी। तो फिर से जानकारी देना चाहूंगा, अगर आप लोग मेरे थ्रू आस्था ट्रेड में अकाउंट ओपन करते हैं तो आप लोग को निफ्टी ऑप्शन, बैंक निफ्टी ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर, इक्विटी कमोडिटी, ऑल सिक्वेंस के कॉल मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आज के इतना से, वीडियो के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।